वालेकुम आज के इस वीडियो में हम टेन सेंटेंसेस पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के. पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पास इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के वीडियोस अपलोड किए हैं तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस टेंस के ऊपर वीडियोस लाएंगे तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें तो पहला जो सेंटेंस है इसमें आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उर्दू में ट्रांसलेशन है मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है अगर नेगेटिव की बात करें आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया है इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क क्या आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है नेक्स्ट है वो दस साल से इस घर में मुक्म है दे हैव लिव्ड इन डैट हाउस फॉर टेन ईयर्स They have lived in that house for टेन years. अगर हम नेगेटिव की बात करें वो दस साल से इस घर में नहीं रहे हैव नॉट लिव्ड इन डैट हाउस फ़ॉर टेन ईयर्स क्या वो दस साल से इस घर में रहे हैं ये सवालिया फिक्र है लिव्ड इन डेट हाउस फ़ॉर टेन ईयर्स नेक्स्ट है हमने वो फिल्म तीन बार देखी है ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्टेंस का वी हैव सीन डैट मूवी थ्री टाइम्स वी हैव सीन डैट मूवी थ्री टाइम्स अगर नेगेटिव की बात करें हमने वो फिल्म तीन बार नहीं देखी वी हैव नॉट सीन डैट मूवी थ्री टाइम्स इंटरोगेटिव क्या हमने वो फिल्म तीन बार देखी है हैवी सीन डैट मूवी थ्री टाइम्स वो अभी पहुंचा है ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्टेंस का ही हैज़ जस्ट अराइट अगर नेगेटिव की बात करें वो अभी नहीं आया ही हैज़ नॉट जस्ट अराइट क्या वो अभी आया हैज़ ही जस्ट अराइव्ड तुमने हमेशा मुझ पर एहसान किया है यू हैव ऑलवेज बीन काइंड टू मी यू हैव ऑलवेज बीन टू काइंड यू हैव ऑलवेज बीन काइंड टू मी तुम हमेशा मुझ पर मेहरबान नहीं रहे यू हैव नॉट ऑलवेज बीन काइंड टू मी क्या तुमने हमेशा मुझ पर एहसान किया है हैव यू ऑलवेज बीन काइंड टू मी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है ट्रेन पहले ही रवाना हो चुकी है द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट ट्रेन अभी नहीं निकली है द ट्रेन हैज़ नाट ऑलरेडी लेफ्ट क्या ट्रेन पहले ही चली गई हैज़ द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं दे हैव बीन स्टडिंग ऑल डे देव बीन स्टडिंग ऑल डे ये प्रेजेंट परफेक्टेंस का सिंपल सेंटेंस है अब हम नेगेटिव देखेंगे वो सारा दिन पढ़ाई नहीं करते दे हैव नॉट बीन स्टडिंग ऑल डे क्या वो सारा दिन पढ़ते रहे हैव दे बीन स्टडिंग ऑल डे है उसने एक नई जबान सीखी है ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का शी हैज़ लर्न अ न्यू लैंग्वेज शी हैज़ लर्नड अ न्यू लैंग्वेज उसने कोई नई जबान नहीं सीखी शी हैज़ नॉट लर्नड अ न्यू लैंग्वेज क्या उसने कोई नई जबान सीखी है? हैज़ शी लर्न अ न्यू लैंग्वेज इन्होंने अपनी दादी को ख़त लिखा है दे हैव रिटर्न अ लेटर टू देयर ग्रैंड मा देव रिटर्न अ लेटर टू देर ग्रैंड मा इन्होंने अपनी दादी को ख़त नहीं लिखा दे हैव नाट रिटर्न अ लेटर टू देयर ग्रैंड मा क्या इन्होंने अपनी दादी को खत लिखा हैव दे रिटर्न अ लेटर टू देयर ग्रैंड मैक्स्ट हम तुमने बहुत बड़ी गलती की है यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक तुमने बहुत बड़ी गलती की है अब हम नेगेटिव देखेंगे तुमने कोई बड़ी गलती नहीं की है यू हैव नॉट मेड अ बिग मिस्टेक यू हैव नॉट मेड अ बिग मिस्टेक इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया क्या तुमसे कोई बड़ी गलती हुई है हैव यू मेड अ बिग मिस्टेक बिग मिस्टेक क्या तुमसे कोई बड़ी गलती हुई है मैंने एक नया नुस्खा दरियाफ्त किया है ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्टेंस का मैंने एक नया नुस्खा दरियाफ़त किया है आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू रेसिपी आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू रेसिपी इसी का हम नेगेटिव देखेंगे मैंने कोई नया नुस्खा दरियाफ्त नहीं किया तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव नॉट डिस्कवर्ड अ न्यू रेसिपी अब हम इसी का सवालिया फिक्र देखेंगे क्या आपने कोई नया नुस्खा दरियाफ्त किया है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैव यू डिस्कवर्ड अ न्यू रेसिपी हैव यू डिस्कवर्ड अ न्यू रेसिपी सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और उसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू